सबसे पहले तो ये जय वीरू, मोटू पतलू, नोबिता डोरेमोन, अमर प्रेम, बड़े सांप और मोटा भाई, इन सब की दोस्ती की मिसालें देना आज से बंद। मिसाल ओवर विद एवरीबडी, नाउ विराहुल इज माय बेस्ट मिसाल। ये होती है दोस्ती उल्लू के पट्ठों। अगले ने अपनी 50 सैक्रिफाइस कर दी भाई की 100 के लिए, और एक तुम मसाले तुमसे कोई नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मांग लेता है तो तुम्हारे घर में सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही। बांग्लादेश का हर टीम को 2 पॉइंट मुफ्त में देने का मिशन थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया था अफगानिस्तान को हराने के बाद, लेकिन परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन इनके मुताबिक वापस ऑन ट्रैक आ गया है। सारे के सारे 2 पॉइंट्स बांट के इंडिया का विनिंग जगरनॉट कंटिन्यू टू रोल, और इंडिया ने 4 में से 4 मैच जीत लिए। इसकी माँ का अच्छे अच्छे वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, साले कहीं किसी को नजर लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा। Take 2, इंडिया का ठीक ठाक ऊपर वाले का दिया हुआ छोटा मोटा जो भी फॉर्म है वो वापस आ चुका है, और ऊपर वाले की दया से जो भी छोटे मोटे 3-4 मैचेस इंडिया ने खेले हैं वो सारे भगवान की दया से जीत लिए हैं। और उन्हीं में से कल एक मैच था इंडिया और बांग्लादेश का, जो कि फिर इंडिया ने भगवान की दया से जीत लिया है। क्या क्या फैक्टर्स थे उस मैच में उनकी जीत के, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे मेरे साथ, बिकॉज आई एम ज़ैन एंड यू आर वॉचिंग द 5 पॉइंट रिव्यूज। अच्छे भले बोरिंग मैच को या तो मेरी बीवी के मूड स्विंग्स इंटरेस्टिंग कर सकते हैं या विराट कोहली की सेंचुरी की उम्मीद। विराट कोहली की सेंचुरियों का हिसाब तो भाई साहब हम लोग वैसे ही रखते हैं जैसे बुड्ढे अपनी अपनी पीएफ का हिसाब रखते हैं। कल इंडिया और बांग्लादेश का मैच था पुणे में, अफगानिस्तान में नहीं, जो कि इंडिया ने फिर से एक बार और कंफर्टेबली जीत लिया है, और 4 में से 4 मैचेस में जीत दर्ज कराने के बाद, एक हेल्दी नेट रन रेट मेंटेन करने के बाद, इंडिया लीग में टॉप ऑफ द टेबल आ चुका है खड़ाक। बांग्लादेश ने कल टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मैंने कहा जब सामने वाली टीम में किंग कोहली जैसा चेजर बैठा है तो काहे को तुम पहले बैटिंग कर रहे हो, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मोर द नंबर ऑफ चेस मोर द चांसेस ऑफ विराट कोहली सेंचुरी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी गॉट, अ वंडरफुल सेंचुरी बाय विराट कोहली, लिट अप द एंटायर मैच। लेकिन उस मैच के बारे में क्या क्या फैक्टर्स थे, क्या क्या चीजें मैं इन पे रिव्यू करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा, वो सारी शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फैक्टर नंबर 1, यानी कि द बांग्लादेशी ओपनर्स। बांग्लादेशी ओपनर्स ने कल बहुत ज्यादा इंप्रेस किया गाइस। तंजीद और लिट्टन कुमार दास ने मिलके बाबर और रिजवान से ज्यादा रन बना लिए इंडिया के खिलाफ। शाबाश यार, असली किंग तो तुम हो। 93 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई ओपनर्स की, जिसको देख के अच्छा भी लगा और बुरा भी। बुरा इसलिए लगा कि रन्स पड़ रहे थे, अच्छा इसलिए लगा कि चलो ठीक है इंडिया की थोड़ी देर बैटिंग देखने को मिली जाएगी इसी बहाने। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेशी ओपनर्स, 14 ओवर तक बुमराह और सिराज के अटैक को उन्होंने टैक्टफुली नेविगेट करा, ऑलमोस्ट 100 रन्स का एक ओपनिंग स्टैंड बना लिया, एंड दे सेट अप अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द रेस्ट ऑफ द बैट्समैन टू फॉलो। लेकिन भाई साहब बाकी बैट्समैनों ने आगे जो ऐसा उनके ऊपर पानी फेरा है वो देख के मुझे काफी ज्यादा अफसोस हुआ। 93 फॉर 1 से लेके 254 पर ऑल आउट हो गए, और बांग्लादेशी ओपनर ने जो 50s बनाई, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके टीम को दिया, उस पर टीम कैपिटलाइज नहीं कर पाई। अगर सपोर्ट मिल जाता बांग्लादेश के ओपनर्स को तो खैर जीत तो नहीं पाते, हाँ ये है कि थोड़ा चैलेंजिंग और हो जाता, कोहली भाई के लिए सेंचुरी बनाना थोड़ी और आसान हो जाती, इतना जुगाड़बाजी ना करनी पड़ती, रन नहीं लिया, वाइड को कैंसिल, छोड़ो खैर। पॉइंट नंबर 2, मोहम्मद सिराज एंड शार्दुल ठाकुर, दोनों भाइयों ने भाई साहब रन कल ऐसे बांट रहे जैसे एक समय पे वरुण पुधी केले बांटा करता था गरीबों में। सिराज हैड एन इकोनॉमी ऑफ 6 एंड शार्दुल ठाकुर 6.6। सिराज इज नाउ लुक्ड पेल इन ऑलमोस्ट 2 मैचेस ऑफ द 4, और मेरा डर यही बरकरार है कि भाई साहब इफ 1 or 2 ऑफ योर बॉलर्स आर हैविंग अ बैड डे, डू वी हैव अ गुड 5th or 6th बोलिंग ऑप्शन और नॉट। कल शार्दुल ठाकुर को अपॉर्चुनिटी मिली थी 10 के 10 ओवर फेंकने के लिए, और वो बढ़िया परफॉर्मेंस करके हमारे जैसों के मुंह पे ताले लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई साहब। विकेट मिले ना मिले, कॉन्टेंट तो मिलता रहना चाहिए। 6.6 की इकॉनमी से उन्होंने बॉलिंग करी बांग्लादेश के खिलाफ, विच इज एक्चुअली नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, और वही मुझे लगता है कि सिराज और शार्दुल थोड़े से कल वीकलिंग नजर आए बोलिंग में। अगर छोड़ दिया जाए तो अब तक इंडिया की बॉलिंग लाइनअप किसी बड़े टीम के सामने, किसी बड़ी बैटिंग लाइनअप के सामने टेस्ट ही नहीं हुई है ढंग से। ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीमें 250+270 ऑड के अराउंड स्कोर्स बना रही हैं, इंडिया इज येट टू फेस न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड, विच आर वेरी वेरी डीप बैटिंग लाइनअप्स। वहां पर मुझे थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न लगता है कि शायद कुछ कुछ
क्रीजेस अभी भी बॉलिंग में बची हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं। वही हिसाब हो जाता है ना भाई साहब कि आप इंग्लिश में इतना बढ़िया नंबर लाते हो, ओवरऑल परसेंटेज अपनी अच्छी कर लेते हो कि जिन सब्जेक्ट में आपके थोड़े मार्क्स कम होते हो उधर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। और मुझे लग रहा है शायद ये कॉज ऑफ कंसर्न इंडिया के लिए हो सकता है, एंड आई होप ऐसा बिल्कुल भी ना हो। पॉइंट नंबर 3, हार्दिक पांड्या। भाई साहब हार्दिक पांड्या ने जो गजब का टोटका करा था इमामुल हक के खिलाफ, मुझे तो ऐसा लग रहा है उसके साइड इफेक्ट होते दिख रहे हैं क्या। इन जादुई शक्तियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं विनती है इस ऑलराउंडर के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब गलत तो दूसरे वाले ऑलराउंडर के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वाले के साथ तो बिल्कुल भी नहीं भाई, जीरो काटा। पहले ही ओवर में उनका इंजर्ड हो जाना बहुत ही क्रिटिकल लग रहा था मुझे। आई होप कुछ भी सीरियस ना हो, इन द रेस्ट दैट हार्दिक वाज गिवन वाज एक्चुअली प्रिकॉशनरी। एक तो साला मुझे लगने लगा कि हमारे लोगों की नजर लग रही ही नहीं। मैं भाई साहब कोचिंग स्टाफ और फील्डिंग स्टाफ सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मेडल जो आप दे रहे हो तो दें, लेकिन साथ में मैच में निकलने से पहले लॉन्डो काला टीका भी लगा के भेजें, नजर खा जाती है भाई इंसान को, मैं बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 4, इंडिया ओपनर्स। रोहित शर्मा की बैटिंग स्पीड तो गाइस उनकी क्या बोलूं मैं अभी। कल फिर रोहित शर्मा ने 48 रन किए और बहुत ही फ्लुएंट तरीके से करे एज यूजुअल। 120 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने अपने 48 रन बनाए, एंड लाइक एवरी टाइम ही इज बीन सेटिंग अप अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर द रेस्ट ऑफ द बैटिंग ऑर्डर टू फॉलो। मतलब मुझे लगता है रोहित की इनिंग्स ना फैमिली की अंताक्षरी की तरह होती है, एक बार बस कोई बढ़िया स्टार्ट करते बाकी की चीज तो अपने आप लाइन में फॉलोइंग कर जाती है। साथ में अपने शुभमन गिल भाई साहब भी आ गए बैज लगा के। अगर आप लोग भी सोच रहे थे कि शुभमन गिल के कॉलर पे क्या है, उनको कनॉट प्लेस में किसी आंटी ने चूतिया बना के 150 रुपए ले लिए हो, या वो RWA की कमेटी में आ गए हो, तो ऐसा कुछ नहीं गाइस। ये उन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो मिला है उसका बैज वो पहन के घूम रहे थे। ये होता है भाई साहब जुगाड़। एक हमारे ऑफिस वाले एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने पे दीवार पे झांडू सी पासपोर्ट साइज फोटो लगा देते, काम खत्म, वर्क डन फॉर द डे। उन्होंने भी 53 रन बनाए एंड ही लुक्ड वेरी वेरी सॉलिड एज यूजुअल, एंड दिस बॉयज हैव बीन गिविंग इंडिया सच अ गुड स्टार्ट दैट मिडिल ओवर्स सीम इजी। पॉइंट नंबर 5, द केएल कोहली शो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब 2-3 हो गए थे, दिस पेयर केम इन एंड दे शोड मोर मैच्योरिटी देन द अंकल्स प्लेइंग तंबोला इन माय सोसाइटी। एक एक शॉट उन्होंने उस मैच में भी नपा तुला खेला था, बहुत ही बैलेंस तरीके से खेला था। और यहां पर भी जब केएल राहुल चाय पानी करके वापस आए बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग करने के लिए, तब तक इंडिया की जीत ऑलमोस्ट अश्योर्ड थी। लेकिन जो काम उन्होंने किया एंड में, दिल दिमाग रिस्पेक्ट ऑनर सब जीत लिया भाई ने। वही बात है ना, जिसका दिल टूट चुका हो वही दर्द समझता है भाई साहब टूटे हुए दिल का। हालांकि उनकी खुद की सेंचुरी रह गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन कल भाई ने वो किया जिसकी उम्मीद फिंगर क्रॉस करके पूरा का पूरा देश उनसे लगा के बैठा था। शो ऑफ ग्रेस एंड ब्रदरहुड, केएल आस्क्ड कोहली टू फिनिश द गेम विद द टारगेट एंड कोहली सेंचुरी वर इक्विडिस्टेंट, ताकि इंडिया को जीत भी मिल जाए और हम जैसे कोहली के सिम्स रात को आराम से सो पाए बिना। और ये सब तब किया व्हेन ही आल्सो नीडेड जस्ट 16 टू गेट टू हिज 50। ही आल्सो कुड हैव रीच्ड हिज पर्सनल लैंडमार्क, लेकिन यही तो दोस्ती होती है भाई, कि अपने पर्सनल लैंडमार्क्स पर्सनल एजेंडास को हटकर आप सामने वाले की खुशी के लिए, देश की खुशी के लिए कुछ करो। भाई ने अपना पर्सनल लैंडमार्क अलग रख दिया और तुम अपनी नफरत अपनी कम्युनल बिगटरी अलग नहीं रख पा रहे हो देश के लिए, बताओ कैसे काम चलेगा। एंड नाउ विराट कोहली। अब विराट कोहली के बारे में कोई क्या बोले भाई, कभी कभी तो मुझे लगता है कोहली के बैटिंग के लिए गाना लिखा गया था कि उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन आफरीन। ताजमहल तो ताजमहल है भाई साहब, उसके बाद अगर इंडिया में कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन होना चाहिए तो विराट कोहली का एक म्यूजियम होना चाहिए। वहां पे लोगों से 4-5 हज़ार रुपए लो, वहां पे अंग्रेजों से 4-5 हज़ार रुपए लो और सालों कवर ड्राइव दिखाओ 2-2 घंटे तक। He scored his 48th ODI century in a very dramatic fashion last night, and now he is just one century behind Sachin Tendulkar in the ODI records. क्लासिक कोहली इनिंग खेली, उन्होंने धीरे धीरे सेटअप करा, दौड़े भागे बढ़िया तरीके से, अराउंड द ग्राउंड शॉट्स खेली और बहुत बढ़िया तरीके से इनिंग को बिल्ड करा और एक और उनकी सेंचुरी आ गई। अब हम तो यही उम्मीद लगा के बैठे हैं भाई साहब 3-4 सेंचुरी और आ जाए बस पूरे वर्ल्ड कप में, और हमें क्या चाहिए, मतलब वर्ल्ड कप तो चाहिए चाहिए, साथ में ये भी मिल जाए तो बढ़िया हो जाए हमारा। अब इंडिया का अगला मैच जो कि एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है इंडिया के लिए, विल बी एक्चुअली प्लेइंग न्यूजीलैंड इन धर्मशाला, जहां पर थोड़ी सी अलग डिफरेंट कंडीशंस होंगी और न्यूजीलैंड की जो स्ट्रांग टीम है जो फिलहाल नंबर 2 पर बिल्कुल लगी हुई है इंडिया के साथ, उनके खिलाफ टक्कर होगी 22 तारीख को। वो इंटरेस्टिंग होगा कि उस मैच में क्या होता क्या नहीं, उसकी भी सारी चर्चा करेंगे हम लोग, बाद में बात करेंगे। फिलहाल अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियन बताइए और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ताकि ऐसे ही वीडियोस और आप आगे भी लाता रहूं। यहां मैं थोड़ा हकला गया बिकॉज साइड से मेरी बीवी अभी टोकने वाली है कि ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो।